नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और आज फिर से एक बार इडली के साथ मैं वापस। मैंने सोचा है कि भाई कुछ भी हो जाए, हफ्ते में एक दिन आपको बची हुई इडली के साथ क्या करना है वो दिखाना ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले निकालना है एक चाकू और उसके बाद म्यूजिक आएगा, फिर बनाएंगे चिली इडली। चिली इडली बनाने के लिए हमको चाहिए इडली। लोग कहते हैं इडली खाया करो, लोग कहते हैं थोड़ी बचाया करो। बचानी जरूरी है जी, मैं बोल रहा हूँ ये सारी जो लेफ्ट ओवर इडली रेसिपीज है ना, इसके बाद लोग सुबह सुबह इडली खाना बंद कर देंगे, लोग नाश्ता छोड़ देंगे अपना, बोलेंगे नहीं नहीं हमें नाश्ता नहीं करना, इडली नहीं खानी नाश्ते में, बाद में स्नैक्स की तरह खाएंगे ना चटकारे लगा के। क्यों? क्योंकि वो इडली की चाट हो गई, इडली वो हो गया 65, चिली इडली हो जाएगी, फिर कुछ और बना लेंगे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि रणवीर के घर पर इडली बड़ी बचती है। हेलो जी, गल्ला बातना चल दिया रहनी है, काम शुरू करिए। अरारोट या कॉर्न स्टार्च? मैदा। ठीक है, तेल गरम रखें, मैदे के अंदर ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा क्योंकि कोई करता नहीं है, हल्का सा विनेगर, सॉल्ट, ठीक है, वाटर, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं थोड़ा अंडा। बस अब इसकी छोटी छोटी रोटियां बना के और बेल लीजिए। मैं देख रहा हूं कि सब देख रहे हैं कि सो गए वीडियो देखते देखते। नहीं नहीं, ऐसे बैटर बनाना है, वो नहीं बनानी, इडली का काठी रोल नहीं बनाना, वो इडली का काठी रोल। अगले हफ्ते मिलते हैं इडली के काठी रोल के साथ। ये लो जी, बस ऐसे हल्का हल्का बैटर लगाना है, हल्का हल्का, वरना बैटर खत्म हो जाएगा, इडली बच जाएगी, आप इडली की तरफ देखेंगे, इडली आपकी तरफ देखेगी और आप दोनों कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था बैटर थोड़ा थोड़ा लगाना। जी बैटर में क्या हम सोडा डाल सकते हैं? सोडा बिल्कुल डाल सकते हैं हम, लेकिन बहुत कम, थोड़ा गोल्डन करना है इसको, क्रिस्पी, कोई जल्दी नहीं करनी, टेक योर टाइम, एकदम क्रिस्पी करारा करना है इनको, एकदम क्रिस्पी करारा। कभी भी फ्रिज से इडली निकाल के फ्राई नहीं करनी, वरना इडली तेल में जाएगी, तेल को ठंडा कर देगी, सारा तेल इडली पी जाएगी, फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था इडली को रूम टेम्परेचर पे लेके आना है और फिर फ्राई करना है। ठीक है, ये मैं अभी हाफ डन करके निकाल रहा हूँ, तेल एकदम बढ़िया से गर्म करके दोबारा उसको एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग नीचे लिखते हैं ना शेफ वो एक्चुअली क्रिस्पी होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, थैंक यू सो मच, क्रिस्पी होता है। मेरे लिए तो क्रिस्पी करारा ही होता है जी, कर लो क्या करना है बताओ आप भाई, क्रिस्पी वर्ड किसने बनाया है? भगवान ने तो लिख के नहीं भेजा ना क्रिस्पी, इंसानों ने ही बनाया, मैं भी इंसान हूं, मैंने क्रिस्पी बना लिया। ठीक है, देखो जी हंसते खेलते जो खाना बन जाओ अच्छा है, बुरा नहीं मानना, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं करते रहो, बताते रहो कि क्रिस्पी होता है। सॉस बनाने के लिए हमको चाहिए सॉस और कढ़ाई।
देखिए पब्लिक डिमांड पे ये बोला जा रहा था कि मैं वॉक इस्तेमाल करूं, लेकिन मैंने कहा ये एक परिवार के लग रहे हैं, ये परिवार दूसरा है और ये पारिवारिक शो है, इसलिए एक परिवार के बर्तन हम इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं करेंगे। चलो जी, चिली इडली बनाने के लिए हमको चाहिए अनियन, ठीक है, जिसकी हमने रूट निकाल ली ताकि अनियन खुल जाए। अगर ये रूट नहीं निकालेंगे तो अंदर जब सौते करेंगे तो अनियन ऐसे खुलेगा नहीं, क्योंकि रूट से जुड़ा होता है ना। स्मॉल बेसिक्स। अभी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को शिमला मिर्च क्यों कहते हैं बताइए? शिमला मिर्च को शिमला मिर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये अंग्रेज़ इस मिर्च को हिंदुस्तान लाए तो शिमला से लगभग 30 किलोमीटर दूर इसकी पहली रुपाई हुई और उस वजह से इसका नाम पड़ गया शिमला मिर्च। देसीफाई करने के लिए मैंने थोड़ी मिर्ची डाल ली है, जो कि मेरे मुंह में नहीं आनी चाहिए, ओके? मिर्च हमेशा मुझे ढूंढती है। फिर चॉप जिंजर, मोटा मोटा चॉप, क्यों? क्योंकि छोटा चॉप होगा ना तो जल जाएगा, चाइनीज खाना गरम गरम आंच पे पकता है ना, हाई हीट, और एज आई से मिलिट्री हीट, मिलिट्री हीट पे पकने वाला खाना है। गार्लिक डाल देता हूँ एक सिर्फ। चलो जी, गार्लिक और डाल दिया, ऑयल, ऑयल गरम करके अदरक लहसुन, ये अनियंस, ये लो जी हरी मिर्च, और वो वाला सोया सॉस, कौन सा वाला? वो गाढ़ा वाला, वो हाई फाई नहीं, स्ट्रीट साइड सोया सॉस, जो एकदम शहद जैसा गाढ़ा होता है। और सोया सॉस को जलाना है, हाँ, बिकॉज उसकी शुगर जो है ना वो कारमलाइज होनी चाहिए। ये जलाने के बाद जलाओ जलाओ जलाओ। शिमला मिर्च मैंने क्यों नहीं डाली? क्योंकि रंग खराब हो जाएगा। केचप और हॉट सॉस, अब क्योंकि मैं हॉट सॉस डाल रहा था इसलिए मैंने हरी मिर्च कम डाली है जी। अगर आप हॉट सॉस नहीं डाल रहे ना तो हरी मिर्च दबा के डालिए फिर। ये लो जी, अब गई शिमले की मिर्ची, और इधर तेल जो गरम है, इडली को करना है डीप फ्राई एकदम, अब बारी है उसको एकदम क्रिप्सी करने की। क्रिप्सी ते करारा, ये देखो जी ये रंग चाहिए। थोड़ा पानी डाल रहा हूं मैं, जो इसको ना मैं ड्राई बनाऊंगा चिली इडली, बिकॉज ग्रेवी वाली चिली इडली अच्छी लगती है, बट ज्यादातर चिली इडली का जो आइडिया है वो दैट कॉन्सेप्ट इज अ वेरी स्टार्टर कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ये पानी सिर्फ इसलिए ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी गल जाए। एंड वी ब्रिंग इट टू अ बॉयल। थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाला है, थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च इसलिए ताकि सॉस जो है वो डाइल्यूट हो जाए। और ये गई इडली। ये इडली अगर आपको बेस्ट खानी है ना, पता है कहां मिलेगी? मुंबई के शेट्टी होटल्स में। वहां पर ऐसी सी प्लेट होती है, ऐसी क्वार्टर प्लेट टाइप, क्वार्टर होटल ही बोलते हैं उनको, ऐसी सी प्लेट पे आपको इडली जो है यूं करके टेबल पे आ जाती है। ऑर्डर बाद में करते हैं, पहले पहुंच जाती है चिली इडली, एकदम परफेक्ट स्नैक्स है। चलिए वो तो खैर शेट्टी होटल की बात होगी, पर बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये बजट रेसिपी है, मतलब हींग लगे ना फिटकरी
और रंग चोखा ही चोखा, ये देखिए चोखा रंग। आज एक बात तो पता चल गई कि चॉपस्टिक जो है वो चिली इडली खाने के लिए तो नहीं बनी है। चिली इडली खाते खाते सारी शर्ट गंदी हो गई, शर्ट बदल के आना पड़ा सिर्फ ये बताने के लिए कि प्लीज 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 बनाइएगा, प्लीज मेक द रेसिपी एंड टेल मी हाउ इट वॉज। और अगर वो क्वार्टर प्लेट है ना तो बस क्वार्टर प्लेट में सर्व करिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। चॉपस्टिक से मत खाइएगा इडली, नहीं तो आपको भी शर्ट बदल के आना पड़ेगा। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।